हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ और मुझे नीचे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, तो मुझे लगा कि चलो यार धूप ले लेते हैं। अभी बहुत अच्छी खासी धूप आ रही है क्योंकि सुबह से इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो उसकी वजह से रजाई से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो धूप भी ले लेते हैं। और देखो मैं अपने साथ में क्या लेकर के आई हूँ। तो मैं लेकर के आई हूँ सनस्क्रीन, लेकिन ये सनस्क्रीन नहीं है यार, ये सनस्क्रीन स्प्रे है जो कि वाटर बेस्ड फॉर्मूला है जो कि हमारे स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है और ये क्या काम करता है। तो मैं लेकर के आई हूँ वाओ स्किन साइंस का ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे जो कि 30 SPF के साथ में हमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगी है कि ऑल स्किन टाइप्स को सूट कर जाएगा और ये वाटर बेस्ड फॉर्मूला है जो हमारे स्किन के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। साथ ही साथ में बहुत लाइट वेटेड भी होता है और सन से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। और इसको लगाने के बाद में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पैची पैची सा दे रहा है या ऑयली सा फील हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसके साथ में। तो इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्योंकि इसके पैकेट्स के ऊपर भी दिया गया है कि इसको बहुत अच्छे से शेक करना है ताकि इसके जो भी सारे इंग्रेडिएंट है ना आपस में अच्छे से मिल जाए, उसके बाद में हम इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि रह जाता है ना नीचे सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं, ऊपर पानी पानी या ऑयली सा या वाटर सा रह जाता है, कुछ भी कह लो मेरी लैंग्वेज है ये। तो बस इसको अच्छे से मैं पहले शेक करूँगी और उसके बाद मैं अपने फेस के ऊपर स्प्रे करूँगी इस तरह से। और इसको आपको अपने फेस के ऊपर ही नहीं, अपने हैंड्स के ऊपर, नेक के ऊपर और साथ ही साथ में लेग के ऊपर भी आपको करना है। और ये देखो कितनी जल्दी मेरे स्किन के अंदर ऑब्जर्व भी हो गया है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे ऑयली सा भी नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है, पैची सा नहीं लग रहा है, क्योंकि वाटर बेस्ड फॉर्मूला है, बहुत जल्दी से स्किन के अंदर ऑब्जर्व भी हो जाता है। तो वाओ के जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, वो नो सिलिकॉन, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल्स और नो एडेड कलर्स होते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है। और वाओ के जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं वो प्लांट बेस्ड होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाए हुए होते हैं, इसके प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन भी किए गए हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, वाओ के जितने भी सारे प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर QR कोड दिया होता है जिससे आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। और ये हमें UVA और UVB से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ में हमारी स्किन को सूथ एंड हाइड्रेट भी रखता है। 100 ml की बॉटल 399 rupees में हमें मिल जाती है। तो और वाओ प्रोडक्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर लेना। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ छत से नीचे और अभी फटाफट से खाना बना लेते हैं। और आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना छत पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस अभी फटाफट से अभी हम अपना लंच बना लेते हैं। और आज जो है कि आज संडे है तो थोड़ा सा संडे स्पेशल भी होना चाहिए, तो इसलिए आज बना रहे हैं। पापा जी का मन था फिश खाने का, क्योंकि पापा जी मटन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो फ़िश खा लेते हैं, तो आज बस वही बना रहे हैं। और अभी भी लोग कॉमेंट करेंगे कि फिश को फिश बोल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप भी कॉमन सेंस रखिए कि मैं फिश को फिश तो नहीं बोलूँगी ना, तो इसलिए मैंने फिश को फिश ही बोला है। और बस यहाँ पे देख लीजिए, अभी उसको मैरिनेट करके रख रही हूँ थोड़ा सा आधे घंटे के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने दही लिया था आधी कटोरी और उसमें नींबू का रस मिलाया मैंने एक, क्योंकि नींबू एक ही रखा हुआ था, और उसमें हल्दी मिलाई और थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया है इसमें ताकि इसके जो पीस हैं मछली के उसमें अच्छे से नमक लग जाए। और बस सारा अच्छे से मसाला जो है कि इसमें लग जाएगा। और मछली वैसे मैंने एक दो बार अच्छे से पानी से धो ली थी, तो इस तरीके से मैं लगा करके मैरिनेट करके रखूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं फिर से मैं इसको धोऊँगी अच्छे से। और यहाँ पे जो है कि दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो वो भी दूध लेकर के आ गए हैं, क्योंकि अब हम लोग जो है ना पहले डेयरी से मंगाते थे दूध को, लेकिन अभी वो घर पे ही दे जाते हैं हमें, तो बस इसीलिए। और यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है, तो अभी फटाफट से पहले हम मसाला तो मैंने बना करके रख लिया है, तो अभी मैं मसाला जो है कि इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल लिया है मैंने दो बड़े चम्मच भर के मैंने ऑयल लिया है। उसके बाद में मैंने डाले हैं यहाँ पर खड़े मसाले थोड़े से, जैसे काली मिर्च ली है मैंने 3-4 और 2-3 मैंने लौंग ली हैं और तेज़पत्ता लिया है 2, बस यही मैंने खड़े मसाले लिए। और इसको मेथी दाने में मैंने छोंक दिया है क्योंकि फिश मेथी दाने में ही भगा दी जाती है। और यहाँ पे जो है कि बस अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया था बहुत सारा, क्योंकि अगर हम फिश करी बनाते हैं तो उसमें पेस्ट ज़्यादा लगता है। तो बस अब बारी आ जाती है ड्राई मसाले डालने की, तो बस यहाँ पे जो है कि मैंने मिर्च पाउडर डाला है 2.5 चम्मच, क्योंकि वो छोटा वाला चम्मच है हमारे पास, टीस्पून के बराबर ही है वो, तो ज़्यादा तीखा नहीं होगा, तो 2.5 चम्मच ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर इसमें डाला है। और हल्दी डाली है बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 टीस्पून,
और उसके बाद में मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1.5 चम्मच, यानी कि छोटा वाला ही चम्मच था हमारे पास, तो हम लोगों ने इसको 1.5 चम्मच डाल दिया है। तो इतनी ग्रेवी के हिसाब से ये नमक बहुत सही है, और अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए इतना ठीक है नमक। हम लोग ज़्यादा नमक भी नहीं खाते हैं और ज़्यादा कम भी नहीं खाते हैं, तो मीडियम खाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए नमक इतना ठीक है। अब मसाले को हम अच्छे से भून रहे हैं, क्योंकि ये वाला मसाला भुनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने मसाले को भुनने के लिए ही रख दिया। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक मिक्सर जार लिया है, तो उसमें मैं टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ। तो टमाटर की प्यूरी के साथ में मैंने यहाँ पे खरबूजे के बीज भी डाल दिए थे, थोड़े से रखे हुए थे, तो मैं देख रही थी क्योंकि मटन में तो डलते ही हैं, लेकिन फिश करी में मसाले में इसमें डलते हैं या नहीं, तो फिर मैंने थोड़े से इस्तेमाल कर लिए थे उसमें से। और बस यहाँ पे अभी प्यूरी मैंने बना ली है, टमाटर के साथ में ही मैंने पीस लिए थे इसको, खरबूजे के बीज को, तो वो भी तैयार हो गई है, मसाला वहाँ पर बन रहा है, दूध भी गर्म हो चुका है। तो अब बारी आती है आटा गूंदने की, तो बस जल्दी से फटाफट से आटा भी गूंदे ताकि हमारे जो भी सारे काम हैं फटाफट से हो जाएँ, और फिर क्योंकि फ़िश को लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और पापा जी ने मुझे बाद में बताया, तब तक मैं सब्जियां वगैरह कट कर चुकी थी, तो फिर पापा जी बोले कि मैं फ़िश लेकर के आ रहा हूँ, तो आज वही बनाना खाने में, तो फिर मैंने सब्जियां उठा करके रख दी, हरी सब्जियां। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यही बना लेते, क्योंकि पापा जी का मन था इसीलिए। और बस यहाँ पर देखो मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है ना, और आधा मसाला हमारा जो है कि अच्छे से भुन भी चुका है। तो अभी इसमें मैं टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, और इसको भी डाल के हम बहुत अच्छे से भुनेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा इसको भुनने में, तो सबसे पहले इसीलिए मैंने मसाले को ये भुनने के लिए रख दिया था, और बाद में जो फिश के पीसेस हैं ना उसको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी अलग कढ़ाई में। और ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़िश को फ्राई करके ही बनाना है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं फ़िश को अगर फ्राई कर लूँगी ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसकी जो भी स्मेल वगैरह है ना, और जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसकी स्मेल सारी निकल जाएगी मछली की। और यहाँ पे जो है कि मैंने मैरिनेट करके रखा था ना, तो उसको मैंने अच्छे से पीसेस को वॉश कर लिया है, और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो मैं अलग से एक कढ़ाई लूँगी, उसमें ही मैं इस मछली के पीसेस को फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये सारे पेपर में लगा कर रख दिया है, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो अच्छे से सोख कर लेगा पेपर। और साथ ही साथ में मैं इसको कपड़े से भी पोंछती जाऊँगी, ताकि ज़्यादा पानी ना रहे, क्योंकि मछली के जब पीसेस हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऊँचे ऊँचे तक इसका जो तेल है ना वो उचकता है, और हमारे फेस के ऊपर भी उचक सकता है, तो इसलिए मैंने प्लेट लिया और बिल्कुल स्लो आंच में मैं इसको फ्राई करूँगी, और बहुत ही आराम से करूँगी ढक ढक के इसको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऊँचा ऊँचा सा उचकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन गया था, उसको काफ़ी टाइम लगा था बनने के लिए, और हमारे मछली के फ्राई पीसेस भी फ्राई हो गए थे, तो उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे देखो हमारी मछली में, अभी मैं थोड़ा सा मसाले के साथ मैं ऐसे ही भूनूंगी उसको, उसके बाद ही मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है फ्राइंग पैन में, और बस अभी मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है मछली में, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और खोलने दूँगी, ताकि जो पानी है वो हमारा अच्छे से पक जाए। और अभी यहाँ पे रोटियाँ भी बनाने लगी होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए पानी अच्छे से पक चुका है, तो उसके बाद में मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था। सब्जी का फाइनल लुक, रोटियाँ भी बन चुकी हैं, और अब बारी आती है ये चीज़ साफ़ करने की, क्योंकि मसाला उचक उचक के सारे टाइल्स को गंदा कर दिया है, तो वो भी साफ़ करना है मुझे।
और ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने अपना जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी से कर लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए बच्चे दोनों ड्राइंग कर रहे हैं और आलिया बस बोल रही थी कि चाची मेरे लिए कोई भी ड्रेस वगैरह ड्रॉ कर दो तो मैं उसको कलर कर दूँगी। और उसको कलर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसने मुझे मोबाइल में निकाल करके बताया था कि चाची मुझे ऐसा वाला ड्रेस चाहिए तो तुम बना दो, तो फिर मैंने बना दिया था। और यहाँ पे देखिए कलर मैट भी रखी हुई है, तो बच्चे यहाँ पे भी कलर करेंगे। लेकिन अभी जो उसको मैंने ड्रेस बना करके दिए हैं, ड्रॉ करके दिए हैं, उसी में कलर फिल कर रही है। तो वो पूछ रही है चाची मैं कौन सा वाला कलर करूँ, कौन सा वाला कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जब ये ड्रेस मोबाइल में देखी थी ना तो उसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। तो वही ये देखो, ये बारबी डॉल वाला जो ड्रेस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये ड्रेस भी मैंने ड्रॉ करी है। यहाँ देखिए भाई अपने नेल पेंट कलर किए जा रहे हैं और यहाँ बड़ी ही ज़ोरों शोरों से पेंटिंग की जा रही है अलग अलग कलरों से। हेलो, क्या कर रही हो? और बच्चों के साथ साथ में अब हमें भी शौक लगाया है तो हम भी इसको फिल कर रहे हैं। अभी मैंने ये वाली फिश, ये देखो मैंने लिपस्टिक पिंक कलर की लगाई है, अच्छी लग रही है ना बेटू, पिंक कलर की लिपस्टिक। हाँ। कौन सी वाली, नीचे वाली? हाँ। इन्होंने सारे कलर छुपा के रख लिए हैं अपने पास और इन्हों एक भी कलर नहीं दे रही हैं। चाची देखो इससे पिंक है ना, पिंक और ऑरेंज, इससे रेड बन जाएगा। हाँ। मिक्स कलर करते ना। अभी हमें स्टार फिश फिल कर रहे हैं। अगर स्टार की है ना तो आएगी ना लिप्स, तो है ना इसमें पिंक और ऑरेंज करते ना और वो बन जाएगा रेड। सारे ये सब लोग स्माइल कर रहे हैं। और इसको फिल करने में इतना मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं चलती थी, सिर्फ हम लोग पेपर के ऊपर ही ड्राइंग करते रहते थे, उसको फिल करते रहते थे। क्या कर दिया इसको? अपन इसकी आईज तो ब्लैक करेंगे। काजल लगा दी हमने उसके, जिससे वो और क्यूट हो जाए। ओ सॉरी, लो 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 लो, क्या हो गया इस लड़की को? तो ये देख लीजिए बेटू ने जो डॉल बनाई थी, मतलब मैंने ड्रॉ करी थी और बेटू ने सिर्फ इस पे कलर किए हैं और थोड़ी सी जो इसके वो नेकलेस वगैरह हैं वो सब मैंने इसको टचअप कर दिया है इसका। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना ये डॉल। इसका ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, इसका जो पिंक कलर का ड्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पे देख लीजिए ये और ड्रेस मैंने बनाई थी जो शॉर्ट शॉर्ट्स वाली, तो इसमें भी बेटू ने कलर फिल कर दिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। ये कलरफुल ड्रेस हैं और सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी लगी आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। ये वाला बेटू को ये वाली अच्छी लग रही है, इसमें सारे कलर हैं ना बेटू। सो गाइस अभी सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और नहा लिया है मैंने, और आज मैंने कुर्ती पहनी है ये वाली ब्लैक गाउन जैसी, मतलब गाउन कह सकते हैं, अनारकली फ्रॉक है मेरी ये, मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना ये। और तो बस मैंने आज यही पहनी थी। और हाँ सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकल आई हैं मुझे, और ये कल दोपहर से ही मुझे निकले हैं, ऐसा मैंने कुछ लगाया भी नहीं था, पता नहीं क्यों इतनी धूप फंसियाँ निकल आई हैं। और आज मौसम जो है ना कि एकदम ठंडा वाला हो रहा है, सिर्फ हवा चल रही है, और दिल्ली वगैरह में तो बारिश हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हुई है बारिश वगैरह। मुरैना में भी बारिश हो चुकी है लेकिन यहाँ शिवपुरी में ये लोग बताते हैं हम लोग को कि यहाँ पर बारिश बहुत ही कमी से होती है। और आज सुबह से ही बस ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, धूप हल्की फुल्की सी निकली थी लेकिन अभी वो भी चली गई है। और बस अभी मैंने नहा धो करके बैठ गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया था ना तो मैंने आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं। और आज ना कुछ कमेंट देख रही थी मैं, बहुत सारे कमेंट थे और उसमें से एक कमेंट ये भी था, आज ही नहीं आया, वो हर बार आता है मेरे वीडियो में कि आप ये पुराने बर्तन यूज़ करती हो, आप अपने दहेज के बर्तन क्यों नहीं निकाल रही हो ऐसा करके, और क्या आपको दहेज नहीं मिला था क्या? तो हाँ जी मुझे दहेज नहीं मिला था, उसका भी एक रीज़न है। वो क्या था, देखो आजकल तो सबके पास सब कुछ होता है ना, बर्तन भाड़े बस यही चीज़ें रहती हैं ना देने के लिए, बेड दे दिया भाई, फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया है ना, और बस यही चीज़ें रहती हैं सारी, बाइक वगैरह दे दी, हो गया दहेज। लेकिन हमारे जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना, तो उस टाइम पे हम लोग का फिक्स हुआ, पापा जी ने ही बताया था कि नहीं हमारे पास सब कुछ है तो आप लोगों को दहेज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि हमारा घर में इतना सारा सामान रखा हुआ है, तो हम लोग दहेज अगर आप दोगे तो हम रखेंगे कहाँ। तो ये भी बात हुई थी, मतलब वो बता रहे थे कि उनको चाहिए ही नहीं था दहेज, तो उन्होंने बोल दिया था कि हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, और दहेज वहेज से होता क्या है, जो भी होगा हमारा लड़का खुद से कर लेगा। तो ये भी बात सही है भाई, दहेज से कुछ नहीं होता है, सिर्फ बस परिवार अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, और हमारे घर में जो लड़की आएगी वो भी अच्छे से रहे। तो फिर हमारे पापा जी ने बोल दिया था मम्मी पापा से मेरे, तो वो बोल रहे थे कि जिसने लड़की दे दी अपनी तो फिर उसने सब कुछ दे दिया, तो हमें सिर्फ लड़की ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ से चलता होगा कि दहेज दिया जाता है, तो फिर मम्मी ने सोचा कि दहेज ना दे करके उनको कुछ कैश दिया जाए, तो इसीलिए मुझे जो है कि कैश दिया था। और बस यही था दहेज ना देने का रीज़न। आजकल तो वैसे भी सभी के यहाँ सब कुछ होता है घर में, बर्तन भाड़े बेड वगैरह है, फ्रिज टीवी सब कुछ होता है सबके घर में, तो आजकल ज़्यादातर कैश ही चल रहा है। तो फिर मम्मी पापा ने सोचा कि कैश दे देते हैं, लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकती आप लोगों को कि कितना कैश दिया था, क्योंकि ये बातें हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। और फिर ये होता है ना कि अरे इतना दिया, अरे उतना दिया, तो ये चीज़ हम लोग नहीं मतलब बताना चाहते हैं आपको, तो बस कैश दिया था ठीक है। तो बस यही रीज़न था कि मुझे दहेज नहीं मिला था, और इसीलिए हम लोग जो है कि हमारे जो पहले के बर्तन वगैरह हैं तो हम लोग बस वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ना धीरे धीरे करके बर्तन ला भी रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे हम लोगों ने जो है कि धीरे धीरे करके बर्तन वगैरह चेंज वेंज किए हैं। और मम्मी के हमारी मम्मी जी के पास तो कि ना काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे जो कि मतलब डेली इस्तेमाल करती थी वो, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इनको हटा करके हम लोग दूसरे ले करके आते हैं, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा 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 करके हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कि हम लोग नए बर्तन भी ले आएंगे। और अभी कुछ आधे बर्तन तो आ चुके हैं, और बस ठीक है यही था। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि आप अपने दहेज के रखी हुई हो निकाल नहीं रही हो,
तो काफ़ी सारी बातें रहती हैं आप लोगों की, काफ़ी सारे सवाल रहते हैं आप लोगों के मेरे लिए। तो भाई की शादी जब मैंने आप लोगों को दिखाई थी तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आपने दहेज लिया है अपने भाई की शादी में, और खुद तो दहेज लेकर के नहीं आई है लेकिन भाई की शादी में लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने उनसे कुछ भी डिमांड नहीं की थी दहेज वगैरह की, और वो तो लड़की के माँ बाप का होता ही है। अगर हम लोगों ने सिर्फ, मेरे पापा ने हमेशा से यही कहा है कि हमें, जब मेरे भाई का रिश्ता भी नहीं हुआ था ना उस टाइम से पहले ही उन्होंने कहा था कि हमें दहेज नहीं चाहिए किसी से भी, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। तो अब हमारे यहाँ पे होता क्या है, हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ पे ऐसा होता है कि दहेज चलता ही है। तो अगर लड़की वाले मना भी करेंगे ना, लड़के वाले अगर मना भी करेंगे तो भी दिया जाता है। तो बस इसीलिए उन्होंने भी दिया, उन्होंने अपनी लड़की के लिए किया, और उनके घर में फर्स्ट शादी थी उनकी बेटी की, तो फिर सब लोग करते ही अच्छे से अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने भी सोचा कि उनकी और भी बेटियां हैं, मतलब एक और बेटी है तो उसकी भी शादी करनी है, तो ये रहता है कुछ कुछ। तो बस इसीलिए उन्होंने भी अच्छे से अच्छा किया, और हम लोगों ने कभी कोई डिमांड नहीं की है, और ना ही मेरे पापा मम्मी ने भी। फिर भी लोग यही सोचेंगे, उनकी जो सोच है बस वही समझेंगे वो लोग तो। और मैं हमेशा यही प्रूफ, मतलब बार बार से मैं प्रूफ कहाँ तक दूंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि देखो लोग हैं अलग अलग तरह के और अलग अलग सोच वाले लोग हैं। और भी जो मैंने कमेंट वगैरह निकाले हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो बाहर जो है ना इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन अंदर तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही, हवा चल रही है बाहर और सभी लोग अपनी छतों पर घूम रहे हैं। और बस आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, धूप देखने को ही नहीं मिली है सुबह से ही, वरना कल से क्या हो रहा था ना कि धूप अच्छी खासी निकल रही थी बहुत तेज़ वाली, तो गर्मी भी लग रही थी हल्की हल्की। तो मैंने यहाँ का, हवा चल रही थी ना तो इसी वजह मैंने यहाँ का जो गेट है ना वो लगा दिया था। अभी मैं बाहर का दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाहर देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। पेड़ आप लोगों को हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। हाँ हवा अच्छी खासी चल रही है लेकिन बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है, और धूप भी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ, देखो मैंने अपने रिंग लाइट जो है ना यहाँ पे रख दी है, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है रूम में, और बच्चे जो है ना खेलते रहते हैं ना तो फिर वो गिर जाती है नीचे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखी। जब भी मुझे शूट करना होता है तो मैं यहाँ से ले जाती हूँ, है ना। और ये देखो, और मैंने ना अपने रूम में यहाँ पे कालीन डाल रखी है, क्योंकि बच्चे भी आकर खेलते रहते हैं ना तो ये नीचे का जो फर्श है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो बस यहाँ पे मैंने कालीन डाल दी है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और जब भी कभी बच्चों को खेलना होता है ना तो बस यहीं पे खेल लेते हैं वो, और अभी थोड़ी देर पहले बच्चे यहीं पर ही पेंटिंग वगैरह कर रहे थे अपनी, तो बस वही है चल रहा था, अभी अभी चले गए हैं वो खाना वाना खाने के लिए। और ये वाली बास्केट देखो, ये वाली बास्केट जो है ना बहुत ज़्यादा काम में आ रही है मेरे, मतलब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट जो मेरे डेली यूज़ के हैं ना वो मैंने रख दिए, मास्क वगैरह हैं, कंघे हैं, तो सभी कुछ यहाँ पे सामान रखा होगा मेरा, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई है मेरे लिए, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस टाइप का कुछ मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं लेकर के आऊँगी, लेकिन मैं सोची थी इसमें लॉक वाले अगर मिल जाता ना जिसमें हम लॉक लगा सकते थे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चे जो है ना कि आकर के खोलते रहते हैं। तो फिर मैंने ना इसका यहाँ से जो ओपन वाला एरिया था ना वो मैंने इधर साइड कर दिया है, ताकि दीवार के साइड, ताकि बच्चे इसको खोल ना पाए इस तरह से। देखो जैसे मेरे मास्क वगैरह रख दिए हैं मैंने यहाँ पे, अपना थोड़ा बहुत सामान रख दिया है, इसमें भी सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसका जो ओपन वाला एरिया था ना वो पीछे साइड किया है, और यहाँ से बंद है तो यहाँ से नहीं खोल सकती है। वैसे आलिया तो नहीं खोलती है लेकिन इनाया खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो सारा सामान निकालते ही हैं, ठीक है।